नमस्कार दोस्तों, लेके आ गया हूँ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स रिपोर्ट जून 2023 का। कौन से कंपनी ने जून के महीने में कितने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का सेल किया है, पूरा जानकारी आपको आज के वीडियो में देखने को मिल जाएगा। जून के महीने में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स की बात करें तो ओवरऑल 60% सेल में डाउनफॉल देखने को मिला है। कुछ कंपनीज जो की टॉप 10 की लिस्ट में आती थी वो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर चली गई है। लेकिन एक गुड न्यूज भी है रिवॉल्ट के लिए, जो कि है रिवॉल्ट आ गया है टॉप 10 की लिस्ट में और रिवॉल्ट के सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला है पिछले महीने के कंपैरिजन में। आपको एग्जैक्ट सेल्स फिगर बताएंगे तो बने रहे वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियोस के लिए ईवी स्टन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टॉप 10 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेलर की बात करें तो नंबर 10 पे है रिवॉल्ट मोटर। पिछले महीने टॉप 10 की लिस्ट से रिवॉल्ट बाहर था, इस महीने टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बना लिया। जून के महीने में रिवॉल्ट ने अपने 653 इलेक्ट्रिक बाइक्स का सेल किया है एंड मई के महीने में रिवॉल्ट ने 571 इलेक्ट्रिक बाइक्स का सेल किया था। तो रिवॉल्ट के सेल में तो जून के महीने में ग्रोथ देखने को मिला है एंड जनवरी टू जून रिवॉल्ट की टोटल सेल की बात करें तो वो है 2983 इलेक्ट्रिक बाइक। तो नंबर 9 की पोजीशन पे आ जाता है प्योर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जिनके सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिला है मई महीने के कंपैरिजन में। लगभग 1.5 साल के बाद में पीओडी भी जो है फिर से आ गया है टॉप 10 की लिस्ट में। तो कांग्रेचुलेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीओडी एनर्जी को कांग्रेचुलेशन बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि अगर सब्सिडी कम नहीं होता तो सेल कम नहीं होता, अगर सेल कम नहीं होता तो पीओडी भी टॉप 10 की लिस्ट में नहीं आता। तो कांग्रेचुलेशन टू गवर्नमेंट। बट सेल की बात करें तो जून के महीने में पीओडी भी ने अपने 802 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का सेल किया है एंड मई के महीने में प्योर ईवी ने अपने 509 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का सेल किया था। तो जून के महीने में मई महीने के कंपैरिजन में तो ग्रोथ देखने को मिला है एंड जनवरी टू जून टोटल सेल की बात करें तो प्योर ईवी ने 3603 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का सेल टोटल कर चुका है। इसी के साथ में नंबर 8 की पोजीशन पे आ जाता है हीरो इलेक्ट्रिक। जून के महीने में हीरो इलेक्ट्रिक ने सेल किया है 1076 इलेक्ट्रिक स्कूटर का। मई के महीने में हीरो इलेक्ट्रिक ने सेल किया था 2109 इलेक्ट्रिक स्कूटर का। तो इनके सेल में पिछले महीने के कंपैरिजन में डाउनफॉल देखने को मिला है। जनवरी टू जून टोटल सेल की बात करें तो वो है 25,444 यूनिट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर। नंबर 7 पे आता है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो कि एम्पेयर का मदर कंपनी है। इन्होंने जून के महीने में सेल किया है 1346 यूनिट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का एंड मई के महीने में ग्रिप्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने सेल किया था 1155 यूनिट्स इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का। ग्रिप्स मोबिलिटी का जनवरी टू जून टोटल सेल की बात करें तो वो है 3674 यूनिट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। नंबर 6 पे आ जाता है एम्पेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल। एम्पेयर का सेल बहुत ही कम हो गया है पिछले महीने के कंपैरिजन में, क्योंकि एम्पेयर का जो फेम टू सब्सिडी है सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो सब्सिडी बंद कर दिया गया है। तो इसके वजह से बहुत ही ज्यादा प्राइस हाइक देखने को मिला है एम्पेयर के स्कूटर्स पे, जिसके वजह से इसका सेल एकदम से डाउन हो गया है। तो एम्पेयर ने जून के महीने में सेल किया है 1488 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर का एंड मई के महीने में एम्पेयर ने सेल किया था 9635 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर का। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सेल डाउन हो गया है। जनवरी टू जून टोटल सेल की बात करें एम्पेयर का तो वो है 39,015 यूनिट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब बात करेंगे टॉप 5 लिस्ट के ऊपर। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कंटेंट के लिए इबिस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर 5 पे आता है ओकिनावा। जून के महीने में ओकिनावा ने सेल किया है 2475 यूनिट्स का एंड मई के महीने में ओकिनावा ने सेल किया था 2907 यूनिट्स का। तो थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। जनवरी टू जून टोटल
टोटल सेल की बात करें तो वो है 21,366 यूनिट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर। नंबर चार पे आता है बजाज ऑटो लिमिटेड, जिनका बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है। चेतक की जून के महीने में सेल की बात करें तो वो है 2,672 यूनिट्स। मई के महीने में बजाज चेतक ने सेल किया था 9,966 यूनिट्स। तो भारी गिरावट देखने को मिला है बजाज चेतक के सेल्स में। जनवरी टू जून टोटल सेल की बात करें तो वो है 22,384 यूनिट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर। टॉप थ्री की लिस्ट में नंबर तीन पे आता है एथर एनर्जी। जून के महीने में ऑल ओवर इंडिया एथर सेल हुआ है 4,194 यूनिट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर। मई के महीने में एथर एनर्जी का सेल हुआ था 15,406 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर का। तो एथर के सेल में जून के महीने में भारी गिरावट देखने को मिला है मई महीने के कंपैरिजन में। जनवरी टू जून टोटल एथर सेल की बात करें तो वो है 58,876 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर। टॉप टू की लिस्ट में नंबर दो पे है हमेशा की तरह टीवीएस मोटर, जिनका आई क्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है। जून के महीने में आई क्यूब ने सेल किया है 6,844 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर का। मई के महीने में आई क्यूब ने सेल किया था 20,397 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर का। तो 20,000 से सीधा 6,000 बहुत ही बेकार सेल हुआ है आई क्यूब का। जनवरी टू जून टोटल सेल की बात करें तो वो है 76,032 यूनिट। नंबर वन पे है हमेशा की तरह ओला इलेक्ट्रिक। जून के महीने में ओला इलेक्ट्रिक ने सेल किया है 16,332 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर। एंड मई के महीने में ओला इलेक्ट्रिक ने सेल किया 28,625 यूनिट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो ओला के सेल में भी डाउनफॉल देखने को मिला है। ये पूरा का पूरा फेम टू सब्सिडी का इफेक्ट, जिसके चलते लगभग सभी कंपनीज जो कि फेम टू के अंडर में आता है उन सभी का सेल में जून के महीने में डाउनफॉल देखने को मिला है। जनवरी टू जून ओला की टोटल सेल की बात करें तो वो है 1,24,500 यूनिट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ओला इलेक्ट्रिक। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप हमसे पूछे तो वो है 3 से 4 महीना ऐसा ही सेल कम होता रहेगा, एंड उसके बाद जो है सेल धीरे धीरे फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये था पूरा सेल रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए ईवी स्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।